So without wasting our time, I am also start my another exam preparation. मैंने आज से मेरी केवी की प्रिपरेशन शुरू कर दिया है और ये मेरा पहला बुक है जिसे मुझे पढ़ना है. इसी के साथ मैं पीएचडी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ. अब दोस्तों ये करना है डिसाइड मुझे कि आज से मेरे पास कितने दिन है और मैं इसमें कितना काम कर सकता हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं तो ये शुरू कर दे रहा हूँ. मुझे ये सब पढ़ना ही है. एक्चुअली मैं खुद इंग्लिश का असिस्टेंट लेक्चरर करके काम कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतना सारा काम करके मेरे डेली शेड्यूल में से टाइम निकाल के ये सारा पढ़ना है. ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं. तो आइए अभी मैं शुरू करता हूँ. मैंने अभी अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे शुरू की है. कल रात को ही मैंने ये पढ़ लिया था कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कॉमन एरर्स आते हैं तो मैं कॉमन एरर्स कैसे कर लूँ. यहाँ पर मैं आर्टिकल पढ़ा हूँ. कल रात को ही मेरा आर्टिकल पढ़ना हो गया था और मेरी एक्चुअली तैयारी आज से शुरू हो रही है. इसी के साथ मैं पीसी का इस्तेमाल करूँगा, यूट्यूब का इस्तेमाल करूँगा और ढेर सारे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल. अब इसी के साथ मुझे ना एक वीडियो भी बनाना है जो मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा वो मेरे व्यूवर्स को भी दिखाई देगा. तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने के लिए. एक केवी का वीडियो बना रहा हूँ कॉमन एरर्स का, जो सारे दोस्तों को भी अच्छा लगे. तो पहले तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, बाद में जो कुछ भी पढ़ा हो बच्चों को भी बता दूंगा. जिनको भी पीजीटी एग्ज़ाम देनी है वो सबके लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए अपने स्टडी में, आप जरूर ये एग्ज़ाम पास हो जाओगे. चलो शुरू करते हैं मेरा वीडियो, जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा. सबसे पहले कॉमन एरर्स पर बात करेंगे. तो ये इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं. ये है प्रैक्टिस के. यहाँ पे बताया है कि कोई भी 25 क्वेश्चंस दिए हैं हमने, यहाँ आपको यहाँ पे एरर ढूंढनी है. तो ये हम पहले का पढ़ेंगे, है ना. तो पहला है इट वाज, फिर स्लैश दिया है इट वाज ए में. इट वाज ए है. बाय चांस बी दैट राज कॉट हर हैंड ऑब्लिक सी नो एरर डी. तो दोस्तों अगर आप इसे ठीक से देखोगे तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इट वॉज बाय अ चांस. अ चांस कभी नहीं आता ना दोस्तों, है ना. तो ये फ्रेजर नहीं दिखता. बाय चांस तो हम ऐसे बोलते कि बाय चांस हो जाएगा, बाय चांस हो जाएगा. तो इसका प्रॉपर एरर ए है दोस्तों. आप ठीक से है, इट वॉज बाय अ चांस निकालना पड़ेगा. अ निकालो यहाँ पे, एक मिनट मुझे कैमरा ठीक से करने दो. हाँ, तो आप यहाँ पे अ नहीं लोगे, है ना. ये अ नहीं आएगा यहाँ पे, ये जो अ है ना ये नहीं आएगा. बाय चांस बनेगा, बाय चांस ये फ्रेजर होता है. तो ये तो मेरे समझ में इमिजिएटली आ गया. दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे दिया है, इन माय ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेल्यूअर, ए दिया है इतना पार्ट, दैट हैव मेड, फिर बी दिया है दैट हैव मेड हिम लॉस द हार्ट. लॉस द हार्ट है ना, यहाँ पे भी हमारा एरर यहाँ पे हो सकता है. लॉस द हार्ट, लॉस हार्ट होता है ना, लॉस द हार्ट नहीं होता. ये मेरी अभी ये भी लक्षण ध्यान में आ गया. लॉस द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशन सपोर्ट, और सी दिया है और डी बोला है नहीं रह. तो इसका आंसर मेरे ख्याल से हो ना हो लॉस हार्ट, मतलब बी है, है ना. इसका 101% आंसर बी है दोस्तों. बी लॉस द हार्ट, सी सी है. मतलब यहाँ से ए हो गया, फिर बी ए हो गया, हिम लॉस द हार्ट ये सी हो गया, ये सी है ना. तो ये सी में है, द नहीं आएगा. थर्ड क्वेश्चन, वेन द हाउसेस वॉज सेट ऑन द फायर. सेट ऑन द फायर, ऑन सेट ऑन फायर होता है ना, ए में ही समझ में आ गया. पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं. When the house was, ए हो गया इतना, फिर set on the fire all people, तो बी में हमारा एरर है, on the नहीं होगा. Set on fire ऐसे ही बोलते हैं, है ना, डायरेक्ट बोलते हैं set on fire. यहाँ पे idiotic phrase नहीं बनेगा. तो ये भी हमें याद रखना है कि instead on the fire, बिकॉज ये एडियोटिक नहीं होता है, मतलब एक फ्रेज नहीं होते है. हमें ये रॉन्ग बोलते हैं कि किसी भी बिफोर ऑन फायर और फायर्स और समथिंग ऑन फायर बोलेंगे, ऑन द फायर, ऑन अ फायर, ऑन एन नहीं बोलेंगे. तो
तो हमारा प्रॉब्लम बी में है। थर्ड है यानी कि फोर्थ है मेरा, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट ए हो गया, मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड बी हो गया, एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर नो एरर। तो चौथा का डी है दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, है ना, चौथे में कोई भी एरर नहीं। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली काउंटेड एंड नंबर्ड एंड प्रॉपर एंट्रीज बी मेड इन द रजिस्टर, करेक्ट है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इन अ हर्स टाइम, क्या बोला है उसने, इन अ हर्स टाइम व्हेन आई हैड फिनिश द वर्क आई गॉट अप एंड बी स्लिप आउट अनोटिस। देखो दोस्तों ये EH है ना, हमने जो रूल्स पढ़े होंगे उसमें बताया है कि जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन उसका प्रोनंसिएशन अगर वॉवल्स के जैसे हो तो उसके सामने एन लगाते हैं। ये भले ही हर है, हम पढ़ने को इसका ह बोले लेकिन इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन अर है, तो यहाँ पे एन होना चाहिए, हमारा एरर ए में है। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं सिक्स की तरफ। इजी है दोस्तों, अगर आपके रूल्स वगैरह ठीक से ध्यान में होंगे ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। सिक्स, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस कंटेम्प्रेरी कंपनी, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस कंपनी होल्ड द व्यू, ये ए पार्ट हो गया, ऑल द स्टाफ, ओके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, दैट कुमार इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, दैट कुमार इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, सी डी आई सी में प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि कुमार इज ए एडजेक्टिव है, कुमार कैसे है, वेरी वाइज है, फिर से एन लगाने की जरूरत नहीं थी ना, है ना, एक ही बार में बोलेंगे कुमार इज अ वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, तो एक ही बार एडजेक्टिव के सामने। देखो ये याद रखना है आपको कि रिमेंबर द रूल्स वेन अ सेंटेंस टू एडजेक्टिव्स आर यूज, दो एडजेक्टिव अगर हो रहे हो तो उसी में किसी भी एक के आर्टिकल का इस्तेमाल होगा जनरली, जो पहला है उसके सामने। एक एग्जाम्पल दूंगा, अ ग्रे एंड ब्लू स्वेटर, है ना, अ ग्रे एंड ब्लू स्वेटर, मैंने अ ग्रे एंड ब्लू स्वेटर बोला, उसके सामने अ ब्लू भी बोला क्या, नहीं, तो ये याद रखना है आपको। हमारा एरर सेवन में है, सी में, है ना, यहाँ पे आ गया हमारा, सिक्स में आ गया हमारा सी में। सेवन, हिज फादर ए फॉरबैड हिम, हिज फादर ये हो गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हिज फादर हिज मदर बोल सकते, हिज फादर फॉरबैड हिम टू गो टू सिनेमा लेट एट नाइट, टू गो टू सिनेमा एट लाइट, सी और डी। अब देखो सेवन का ठीक से पढ़ोगे तो सी में प्रॉब्लम आ रहा है आपको, है ना, देखो हिज फादर ए forbid him b to go to cinema late at night, to go to, go to cinema, circus, theater, opera, station, me, etc. are idiomatic expressions होते हैं दोस्तों, so it should be written go to the cinema instead go to cinema, go to the, यहाँ पे go to the छोटा है दोस्तों, यहाँ पे the चाहिए था कि उस पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करना चाहिए था, तो हमारा प्रॉब्लम सी में आया सेवन का। एट नंबर का है दोस्तों, एट फर्स्ट इन रैशनल सिचुएशन, एट फर्स्ट स्टेप इन रैशनल सिचुएशन, ये ए हो गया पार्ट, हम पढ़ रहे हैं एट, एट फर्स्ट ए फर्स्ट बोला है, द फर्स्ट आना चाहिए था, यही पे प्रॉब्लम दिख गया मुझे, है ना, इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ पे ए में ही प्रॉब्लम है। नाइन्थ का पढ़ते हैं, नाइन्थ का भी काफी इजी है, आफ्टर रनिंग फ्रॉम द जेल, है ना, देखो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज स्टॉप ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज बी एंड
is determined to lead simple life, C और no error, D. No error का तो सवाल ही नहीं उठा, error है इसमें. अब कहाँ है वो ढूंढना है. अगर सेंटेंस का हम ठीक से एनालिसिस करें, देखो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, इसका अर्थ होता है कि कुछ टाइम या फिर कुछ वहाँ पे गए और टर्म के लिए गए, उसको मिलके वापस आ गए. लेकिन यहाँ पे एक्यूज बोला है, मतलब ये क्रिमिनल था. तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल नहीं होगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ऐसा होगा. तो हमारा प्रॉब्लम तो यहाँ पे आ गया ए में ही, नाइन का आ गया ए, याद रखिएगा. टेन का है दोस्तों आपके सामने, मैं टेन क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना ही है ये. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन, है ना, टेन का है याद रखिएगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन, ए नंबर का पार्ट हो गया, इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है. द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, इसमें भी नहीं आ रहे. लिविंग ऑन अर्थ, लिविंग ऑन अर्थ है ना, टेन का लिविंग ऑन अर्थ, ये भी बराबर है. नो एरर, इसमें मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं रहेगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ या ऑन अर्थ. ऑन अर्थ दस नंबर का है, ऑन अर्थ सेंटेंसेस करेक्ट है दोस्तों. आपको लगता होगा कि लिविंग ऑन द अर्थ द नहीं आएगा, लिविंग ऑन अर्थ बोल सकते हो आप. इलेवन नंबर, ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स, है ना, ब्रह्मपुत्र है ना एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है. लेकिन एक नियम तो हमें बताया कि जितने भी नदी नाले पर्वत माउंटेन ये सब होते हैं उनके सामने द लगाते, तो यहाँ पे द का प्रॉब्लम आएगा. द ब्रह्मपुत्र बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा. नदी नाले पर्वत इन सब के सामने, इन सब के नाम के सामने द लगाते हैं. तो दोस्तों यहाँ पे द आना चाहिए, हमारा प्रॉब्लम ए में है, है ना. इलेवन का ए. ट्वेल्व देखते हैं. वन शुड बी टर्न, यहाँ पे वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस, है ना. ट्वेल्व नंबर का ध्यान से पढ़िए. वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रोमिसेस इन ऑर्डर टू अर्न, बी तक आ गए. नेम एंड फेम इन द लाइफ, नेम एंड फेम इन द लाइफ, नो एरर डी. तो इसका प्रॉब्लम किताब में मैंने पढ़ा था तब सी बताया था, ट्वेल्व का सी. अब क्या है, द विल नॉट बी यूज बिफोर लाइफ, है ना, लाइफ के सामने द इस्तेमाल नहीं करेंगे. द विल नॉट यूज बिफोर द लाइफ, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे. इन जनरल और ब्रॉडर सेंस द इज नॉट यूज बिफोर लाइफ, साइंस, मैन, वुमन एक्सेट्रा, इन सब के सामने द इस्तेमाल नहीं करते जनरली. बट व्हेन यूज टू मीन एनीथिंग पर्टिकुलर आर्टिकल, तो उसके सामने द इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर थिंग दिखानी हो तो, है ना. जैसे कि इसमें उदाहरण के तौर पे मेरे ख्याल से रुक, ही लीड्स अ वेरियस लाइफ, द लाइफ, अगर हमको ये बोले द लाइफ आगे लेके करते हैं. चलो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो बोला कि द नहीं इस्तेमाल करेंगे, है ना, द इस्तेमाल नहीं करते लाइफ के सामने, द इस्तेमाल नहीं करते. अगर ब्रॉड सेंस में दिखाना हो तो दिखेंगे. 13, प्रिया इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशंस एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो, नो एरर, ठीक है. 13 का है थोड़ा, प्रिया इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट, टेक द हार्ट. द विल नॉट बी यूज हियर अगेन, टेक हार्ट, टेक एक्शन, टेक केयर एक्सेट्रा, ऑल एडोमेटिक एक्सप्रेशन, हम ऐसे बोल सकते हैं. एक फ्रेज के हिसाब से आएगा, टेक हार्ट, टेक डिसीजन, है ना, टेक एक्शन, टेक केयर, ऐसा बोलेंगे. टेक द एक्शन, टेक द केयर, ऐसे नहीं बोलेंगे. तो यहाँ पे ए में प्रॉब्लम है. 14 नंबर का काफी आसान है दोस्तों. 14 नंबर का, इन द कंक्लूजन्स इट मे बी सेफ्टी असर्टेड दैट द कैरेक्टर परचेसेस सम मॉरल इम्प्लिसिटी, और इन द कंक्लूजन, इन कंक्लूजन आएगा ना दोस्तों, इन द कंक्लूजन नहीं आता, है ना.
द विल नॉट बी यूज बिफोर अ कंक्लूजन, ये ही तो है 14 का हमारा एक में ही प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे भी इस 14 में हमारा ए पे प्रॉब्लम है, इन कंक्लूजन बोलेंगे, इन द कंक्लूजन नहीं बोलेंगे, ठीक है। 15 नंबर का देखते हैं, आई हैव बीन इन्फॉर्मेड दैट सुनील विजिट्स दिल्ली, बराबर है सेंटेंस, आई हैव बीन इन्फॉर्मेड दैट सुनील विजिट्स दिल्ली द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इसका आंसर डी आएगा, नो एरर। 16 नंबर का देखते हैं, थोड़ा गड़बड़िंग होगा ये, द रेमेडी लाइज इन प्रोमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज, दोस्तों यहाँ पे द आना चाहिए था, है ना, प्रोमोटिंग द वैल्यूज, इम्पोर्टेंट और पर्टिकुलर दिखाना है, तो यहाँ पे बी में प्रॉब्लम आ गया हमारा, हमें समझ में आता है। 17, जॉय सेड टू हिज ब्रदर्स दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, नो एरर्स डी। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, गो टू स्कूल बोलेंगे, गो टू द स्कूल नहीं बोलेंगे। अब गो टू द स्कूल बोलने से क्या होता है भाई, इसका भी देखो, द विल नॉट बी यूज बिफोर स्कूल, दैट इज द थिंग 17 नंबर का, है ना, द विल नॉट यूज बिफोर द स्कूल, स्कूल, चर्च, जेल, कॉलेज एक्सेट्रा रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर प्लेस है। वेन वी से गो टू स्कूल इट इम्प्लाइज टू गो फॉर स्टडी, जब हम बोलेंगे गो टू स्कूल तो इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ पढ़ने के लिए जाओ, बट जब हम बोलेंगे गो टू द स्कूल ये रेफर करता है कि सम अदर वर्क के लिए आप जाओ, और हम पढ़ने के लिए जाते हैं भाई, कुछ दूसरा काम करने के लिए नहीं जाते, समझ में आया होगा। 18 नंबर का है, डोंट टॉक टू, 18 नंबर हाँ याद रखिए, डोंट टॉक टू हिम ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दिस डेज, है ना, ये गलत बात है, सी, नो एरर। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में, इन टेम्पर, है ना, इन टेम्पर बोलेंगे क्या, इन द टेम्पर, इन टेम्पर शुड बी रिप्लेस बाय अ टेम्पर, द की जगह अ टेम्पर कर दो, इन अ टेम्पर, जो कि एक एडोमेटिक फ्रेज होंगे, सिमिलर जैसे कि आप अच्छे मूड में नहीं हो, इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ डिलेमा, ऐसे होता है, ठीक है, इन अ डिलेमा, इन अ टेम्पर, ये वाला, तो यहाँ पे अ लगाना है आपको, इन अ टेम्पर। चलो आगे बढ़ते हैं, 18 पे आ गए, 19 हो गए, चलो 19 का भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ मैं आपको, है यहाँ पे आंसर दिए हुए मेरे सामने, अभी पेज टर्न किया तो, ये दूसरी बार पढ़ रहा हूँ तो मेरे थोड़े थोड़े दिमाग में भी है वैसे, लेकिन आप लोगों को भी आए ये समझ में, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक करके आगे बढ़िएगा। 19 है, देर वॉज लिटल मिल्क इन द बोतल, देर वॉज लिटल मिल्क इन द बोतल, ए पाग हो गया। अब शी गैव इट टू द बेबी वेन इट, बी हो गया, स्टार्टेड क्राइंग, कि बोतल में थोड़ा सा दूध है। देखो दोस्तों इन द बोतल हो गया, लिटल मतलब तकरीबन कुछ नहीं, ये एक फ्रेज है, अ लिटल और लिटल, लिटल आया तो मतलब कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर, और अ लिटल आ गया तो थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इन अ आएगा, देयर वॉज अ लिटल बोतल, अ चाहिए था यहाँ पे। 20 नंबर का है, द गैंग्स ऑफ फॉर नॉर्थ इंडिया, द गैंग्स ऑफ फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट गोदावरी, दो गोदावरी होना चाहिए था, बी में ही प्रॉब्लम है, दो गोदावरी नदी का नाम है, नदी, नाले, पर्वत, रांग, इन सब के सामने आपको लगाना है द। अगर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ आप मेरा अगला एक आर्टिकल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है वो देख लीजिए, आपको समझ में आया। ये तो मैंने 20 कवर कर लिए, 17 मिनट काफ़ी हो गए, आप चाहो तो और भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट दिया है आप पढ़ सकते हो, और इतना भी याद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू।